हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दिस इज़ वर्षा एंड आज हम मूवी देखने जा रहे हैं, तो आपको भी मैं मूवी दिखाने ले जाऊंगी। चलिए मेरे साथ। आज हम मूवी देखेंगे और वो भी गंगूबाई काठियावाड़ी। तो हम अभी टिकट ले रहे हैं। पहले पहुंच गए हैं हम लोग सिनेमा हॉल के अंदर। तो पहुंच गए लेकिन कोई नहीं है, सिर्फ हम लोग पांच हैं और उधर एक आंटी और ऊपर इतना ही। शुरू नहीं हुआ है अभी तक, तो वी आर जस्ट सिटिंग। आपको मूवी कैसा लगा? अभी कुछ बताना चाहोगी? और निकल रहे हैं अभी, बहुत अच्छा लगा मूवी देख के। आप भी जाइए और मूवी देखिए गाइस, बहुत ही अच्छा मूवी था। गंगूबाई काठियावाड़ी पहले ही बताया था। तो चलते हैं, बाय बाय एवरीवन। आपको bye bye. आप भी देखिए और बताइए कि आपको मूवी कैसा लगा। हमें तो बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। तो बाय बाय एवरीवन, से बाय 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 बाय। तो गाइस, जैसे कि आप सभी को पता है कि हमने कौन सा मूवी देखा है, तो इट वाज गंगूबाई काठियावाड़ी, जिसपे आलिया भट्ट ने बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिया है उनका। तो आई एम नॉट गिविंग एनी काइंड ऑफ यू नो रिव्यू, बट ये मेरा जेन्यून ओपिनियन या फिर क्या मतलब मुझे मूवी देख कर कैसा फील हुआ या फिर मुझे कैसा लगा, आई एम गोना जस्ट सेड दैट पार्ट। तो मुझे मूवी पर्सनली मुझे बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि उस पर जो डायलॉग डिलीवरी था और वहाँ पे जो एक्शन आलिया भट्ट का था बहुत ही ज़्यादा बढ़िया था। क्योंकि प्रीवियस वीडियोस पे या फिर प्रीवियस मूवीज़ पे आलिया भट्ट ने जैसे कैरेक्टर एक चूज़ करती थी और जैसे उनका एक्टिंग था, उससे टोटली डिफरेंट है यहाँ पे गंगूबाई काठियावाड़ी का कैरेक्टर, जो कि एक स्ट्रॉन्ग एंड बोल्ड वूमेन का कैरेक्टर था। तो मुझे आलिया भट्ट का उस अंदाज, वो अंदाज बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि उसने अपनी तरह से पूरी कोशिश की और मतलब उस कैरेक्टर को जस्टिफाई किया। विदाउट एनी डाउट हम कह सकते हैं कि आलिया भट्ट ने इस कैरेक्टर को, गंगूबाई काठियावाड़ी के कैरेक्टर को जस्टिफाई करने के लिए बहुत ही हार्डवर्क किया होगा, क्योंकि उन्होंने जिस अंदाज से उस कैरेक्टर को निभाया है, लाइक हर एवरी एक्शन शोज दैट की। और गंगूबाई काठियावाड़ी को लोगों ने बहुत ही अप्रिशिएट किया है और आलिया भट्ट का परफॉर्मेंस को भी बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएट किया गया। और अगर मैं मूवी के डायलॉग के बारे में बताने जाऊँ, तो कुछ कुछ सीनों पे मुझे तो गूज़बम्स आ गए, क्योंकि इतना हैवी डायलॉग यूज़ किया गया था। लाइक व्हेन शी डिलीवर्ड हर डायलॉग, इट वाज लाइक मतलब आई कांट इवन एक्सप्रेस इन वर्ड्स, यू नो। आप मूवी देखेंगे तो खुद पता चलेगा आपको, या फिर आप खुद फील करेंगे कि वो डायलॉग्स इतने हैवी थे। हम जितना भी कुछ कह लें, लेकिन एक प्रोस्टिट्यूट को हमारे सोसाइटी के कैसे नज़र से देखा जाता है, डीप डाउन हम सबको पता है। तो यहाँ पे आलिया भट्ट ने उनके एक्शन से बहुत ही बोल्ड तरीके से इसको परफॉर्मेंस दिया है। तो आप लोग भी देखिए मूवी, और आई एम डेफिनेटली श्योर कि आपको आलिया भट्ट का परफॉर्मेंस यहाँ पे बहुत ही अच्छा लगेगा। तो आप कमेंट डाउन कीजिए कि आपको मूवी देखने के बाद, ऑफ कोर्स मूवी देखने के बाद अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए कि आप लोगों को कैसा लगा मूवी, और मतलब आप कुछ कहना चाहते हैं, जो भी आप कहना चाहते हैं आप कमेंट डाउन पे कह सकते हैं। तो या इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन। बाय बाय।